नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सीरीज के खास कार्यक्रम बिहार का मिजाज में, जिसमें हम आपको बताते हैं बिहार के सभी लोकसभा सीटों की इतिहास से लेकर आज तक का हाल। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं और आज हम बात करेंगे बिहार के एक और हॉट सीट यानी कि मुंगेर लोकसभा सीट की। तो सर, मुंगेर में क्या कुछ रहने वाला है इस बार और शुरुआत से क्या कुछ रहा है माहौल? अक्षय, सच कहें जब बिहार का मिजाज कार्यक्रम हम लोगों ने डिज़ाइन किया था तो मुंगेर की जो सीट थी वो प्रायोरिटी में थोड़ी बाद में थी। लेकिन हमें लगा कि ना, मुंगेर की चर्चा अभी कर लें क्योंकि मुंगेर अभी देश दुनिया की चर्चा में है। आप रोज खबरों में सुन रहे हैं कि इतने AK-47 बरामद हुए। बिल्कुल, 47 के इतने कल पुर्जे बरामद हुए। हाँ, मुंगेर हथियार का बाजार बहुत लंबे अरसे से रहा है, लेकिन अब मुंगेर में AK-47 भी बिकने लगे हैं। और AK-47 कहाँ से आ रहे हैं? जबलपुर के आर्म्स डिपो से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बना है। मुझसे अभी 2 दिन पहले किसी ने पूछा था कि आखिर मुंगेर ही क्यों आ रहे हैं। तो मुंगेर इसलिए आ रहे हैं, चुनाव पर चर्चा करने के पहले हम बता दें कि सेलर को बायर की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो मुंगेर में जब अवैध हथियार का कोई खरीदार जाता है तो जो सेलर है वो बताता है कि अरे आप कहाँ दूसरी चीज़ें खोज रहे हो, अब तो AK-47 भी है। अच्छा। कहा जा रहा है, ये पुलिस का बयान है कि 80 AK-47 आए हैं, अभी तक 20 ही बरामद हुए हैं। हाँ। और बाकी 60 के लिए छापेमारी चल रही है। हाँ। रोज कभी कुएं में, कभी नदी में। और केवल 47 ही नहीं बरामद हो रहे हैं, जब अपराधी गैंगों के पास 47 जाते हैं और हथियार किसी कारण खराब पड़ जाते हैं तो उनके जो कल पुर्जे हैं वह भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो अब हम चुनाव पर आते हैं। हाँ। चुनाव और AK-47 का भी जो रिश्ता है ना, वो मुंगेर में जुड़ता है। बिल्कुल, कारण कि 2004 में के बाद जो परिस्थिति बदली, या आप कहें 2009 में जो नया परिसीमन हुआ, उसके बाद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों में ऐसे लोग जुड़े हैं या उनके समर्थक कहें जिनका कहीं ना कहीं से AK-47 से वास्ता रहा है। अब आपने कही इतिहास की बात, तो 1952 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र बना था और बनारसी प्रसाद सिन्हा सबसे पहले सांसद हुए थे कांग्रेस के। मुंगेर समाजवादियों का घर भी रहा है। 1964 में और 1967 में देश के जाने माने नेता मधु लेमय पुणे से, महाराष्ट्र से, मुंगेर चुनाव लड़ने आए थे और जीते भी। अच्छा, बाद में वे बांका चले गए। तो मुंगेर की धरती जो है सबों को स्वीकार करती रही है। और यदि आगे का इतिहास देखें तो 2004 तक जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र था ना, या तो राजपूतों का था या यादवों का था। अच्छा। मैं जाति की चर्चा से कभी बचने की कोशिश कर रहा था, जब मैं नवादा की चर्चा कर रहा था तो लोगों ने कहा बात में जाति बता देते हैं, लेकिन कल जब मैंने सारण की चर्चा करी, छपरा की चर्चा करी और जाति की बात नहीं करी तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहना शुरू कर दिया कि आप तो जाति का आंकड़ा बता ही नहीं रहे हो। तो यह बात सही भी है कि बिहार में यदि आप चुनाव की बात करेंगे और जाति की बात नहीं करेंगे तो मामला पूरा फिट नहीं बैठता। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2004 तक जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र था ना, या तो यादवों का था या फिर राजपूतों का था, इन्हीं के बीच तकरार होती थी। लेकिन 2009 में जो नया परिसीमन हुआ, मुंगेर में 6 विधानसभा जुड़े। हाँ। और इनमें 3 तो पुराने थे, 3 नए आए, लखीसराय, बाढ़ और मोकामा। हाँ। तो इसके बाद मुंगेर की शक्ल सूरत बदल गई। मुंगेर में अब भूमिहार जाति का दबदबा हो गया। अच्छा। और उनके मुकाबले के लिए कुर्मी, धानु, कोयरी के उम्मीदवार सामने आए। ठीक हाँ। है, लेकिन भूमिहारों का दबदबा बढ़ा। आप मोकामा जानते ही हैं, आप लखीसराय के भीतर बरहिया जानते ही हैं, बाढ़ जानते ही हैं। तो जयप्रकाश नारायण यादव जो चुनाव लड़ रहे थे पहले, वो बांका चले गए। बांका चले गए। और 2009 में नए परिसीमन के बाद ललन सिंह जदयू के सांसद बने। बिल्कुल, ललन सिंह जदयू के बड़े प्रभावशाली नेता हैं, सरकार और पार्टी में उनकी बड़ी पहुंच है। 2009 में वे चुनाव जीते और 2009 में उन्होंने राम बदन राय को हराया, जो अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। अच्छा। अब आई 2014 में। हाँ। 2014 का जो चुनाव था। हाँ। मोदी महालहर का चुनाव था। हाँ।
मोदी महालहर का चुनाव था, ललन सिंह फिर से उम्मीदवार थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि जदयू एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं था, बाहर था, और एनडीए ने एनडीए में यह सीट गई लोजपा के खाते में, लोजपा के खाते में, और यहां से उम्मीदवार बनाई गई बीना देवी, सूरजभान बीना देवी की पहचान बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी के रूप में। और 2014 के चुनाव के पहले तक ललन सिंह और सूरजभान सिंह का याराना बड़ा फेमस था, अच्छा, लेकिन चुनाव ने इस रिश्ते को बिगाड़ दिया, अब दोनों आमने सामने हो गए। तो सूरजभान सिंह भी इसलिए लड़ने आए कि इसमें मोकामा और बाहर जैसा विधानसभा जो उनके प्रभाव क्षेत्र का था वो शामिल हो गया। मुझे 2014 के चुनाव के दिन की बात याद है, बड़ा गहमा गहमी वाला चुनाव हुआ था। चुनाव की वोटिंग 5 बजे शाम को समाप्त हो रही थी, लेकिन ललन सिंह मुख्यमंत्री आवास शाम को 4 बजे ही पहुंच गए थे, अच्छा। और उन्होंने अपने और उन्होंने मुंगेर में अपनी जीत का ऐलान कर दिया था, अच्छा, कि हम जीत गए। और यह मुख्यमंत्री निवास में सबसे पहले सुकून वाली खबर पहुंची थी कि जीत गए, अच्छा। और लोगों ने भी मान लिया था कि ललन सिंह वहां चुनाव जीत गए। दूसरे खेमे में सूरजभान सिंह के खेमे में परेशानी थी, बेचैनी हुई थी इस उत्साह में, जदयू में जो उत्साह चल रहा था। लेकिन 7-8 बजे के बाद सूरजभान सिंह को यह उम्मीद लगी थी कि नहीं, चुनाव हम ही जीतेंगे, मतलब उनकी पत्नी बीना देवी चुनाव जीतेंगे। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कितने वोट से जीतेंगे, 25-30 हजार का अंतर वो मान रहे थे, अच्छा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मोदी महालहर है। तो मोदी महालहर का परिणाम यह रहा कि ललन सिंह चुनाव हार गए, ललन सिंह चुनाव हार गए और बीना देवी चुनाव जीत गई, और अंतर 25-30 हजार का नहीं रहा, 110,911 वोटों का अंतर रहा। तो ललन सिंह चुनाव हारे ललन सिंह के लिए सदमे वाली बात थी, और इससे अधिक सदमे की बात यह थी कि सूरजभान सिंह की पत्नी ने चुनाव हरा दिया था। तो उस इलाके के दो बाहुबली सूरजभान सिंह और अनंत सिंह, अनंत सिंह मोकामा वाले, सूरजभान सिंह भी मोकामा वाले, तो यह मोकामा की राजनीति का दृश्य है, सीन है कि जिधर अनंत सिंह होंगे उधर सूरजभान सिंह नहीं होंगे, जिधर सूरजभान सिंह होंगे उधर अनंत सिंह नहीं होंगे। तो पिछले चुनाव में अनंत सिंह ललन सिंह के साथ ही थे, अच्छा। ललन सिंह का, अनंत सिंह का प्रभाव सिर्फ बार मोकामा में ही नहीं लखीसराय तक भी है, हाँ। फिर भी ललन सिंह चुनाव नहीं जीते थे। अब आइए 2019 के चुनाव की हम बात करें, क्या दृश्य है और क्या सीन है। 2014 में एक और बात मार्केट की बात थी, 2014 के चुनाव में आरजेडी को वहां उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, अच्छा। जो 2009 में रामबदन राय हारे थे उन्हें टिकट देने से लालू यादव ने मना कर दिया था, अच्छा। आपको पहले मैंने बताया कि वहां मुकाबले में कुर्मी धानु की जाती है, हाँ। तो लालू यादव ने एक पत्रकार प्रगति मेहता, अच्छा, जो हिंदुस्तान अखबार के स्थानीय समाचार संपादक थे मुजफ्फरपुर में, अच्छा, उनसे इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़वाया 2014 में आरजेडी के टिकट पर, लेकिन वो तीसरे स्थान पर है, फिर भी उन्हें 182,000 वोट आए थे। तो अब ये तो आपको हमने 2014 की बात बता दी, अब 2019 की बात करें तो ललन सिंह ने फिर से पूरी बिसात बिछाई है। ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे यह जान लीजिए, और अब यह बात भी है कि जदयू जो है फिर से एनडीए गठबंधन में है, हाँ। तो एनडीए गठबंधन में जदयू के शामिल होते ही यदि किसी एक सीट पर सबसे पहला संकट पैदा हुआ तो वह मुंगेर सीट पर पैदा, अच्छा, हुआ। जैसे ही एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि बीना देवी का टिकट कटा है। अब बीना देवी का टिकट क्या कह दे, सूरजभान सिंह का कहे, हाँ, हाँ, बीना देवी तो मोहरा है, असली राजनीति की धुरी तो सूरजभान सिंह है। तो यह माना जा रहा है कि 2019 के चुनाव में लोजपा को यह सीट जदयू के लिए कुर्बान करनी पड़ेगी, अच्छा। यदि एनडीए गठबंधन में रहना है तो ललन सिंह किसी भी कीमत पर यह सीट नहीं छोड़ने जा रहे हैं, और वे पूरी तैयारी, किसी भी दिन नहीं बैठे हैं, पूरी तैयारी मुंगेर की कर रहे हैं। और मुंगेर की चुनावी बिसात बिछाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, हाँ। प्रगति मेहता, हाँ, जो 2014 में आरजेडी के उम्मीदवार थे, हाँ, उन्हें जदयू में ले आया गया है, अच्छा। मतलब अब प्रगति मेहता भी जदयू में है, हाँ। अब जो थोड़े बहुत इलाके में राजपूतों का प्रभाव है, हाँ, उनके प्रभाव को ठीक रखने के लिए, हाँ, नरेंद्र सिंह को भी वापस ले आया गया जदयू में, हाँ। नरेंद्र सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह देखने वाला विषय होगा। कुछ लोग कहते हैं बांका में चुनाव लड़ेंगे, अच्छा। लेकिन मेरा मानना है कि बांका में वैकेंसी है कहां नरेंद्र सिंह के लिए,
तो नरेंद्र सिंह भी आ गए, लेकिन नरेंद्र सिंह के आने का फायदा कुछ ना कुछ 2019 के चुनाव में ललन सिंह को जरूर मिलेगा। तो ललन सिंह की उम्मीदवारी तो तय है। अब सवाल ये उठता है कि जब ललन सिंह के कारण बीना देवी का टिकट कटेगा तो बीना देवी क्या करेंगी? बीना देवी मौजूदा सांसद है, क्या वह बेटिकट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगी? कह भी तो चुकी हैं कि सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल कह चुकी हैं। और उधर ललन सिंह के लिए अनंत सिंह ने ताल बजा रखा है। अच्छा। नहीं, ललन सिंह की ही जीत होगी। अच्छा। सूरजभान सिंह की जीत कैसे हो सकती है? तो बीना देवी ने भी ऐलान कर दिया कि कुछ भी हो चुनाव लड़ेंगी। तो कहा जा रहा है कि बीना देवी जो है कांग्रेस के संपर्क में है, आरजेडी के संपर्क में है। कांग्रेस में कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो अभी चुनाव अभियान समिति के संयोजक बनाए गए हैं बिहार में, उनके मार्फत, दोनों के रिश्ते भी पुराने हैं, उनके मार्फत संपर्क में है। अच्छा। और बीना देवी कांग्रेस से चुनाव मैदान में आ सकती हैं। अच्छा। ऐसी बात है क्योंकि लालू यादव का एक फार्मूला रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि वो भूमिहारों को सीधा टिकट नहीं देते हैं। अच्छा। वो कांग्रेस के माध्यम से टिकट दिला देते हैं। अच्छा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में क्या चुनाव फिर से ललन सिंह बनाम बीना देवी होगा, बीना देवी क्या कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। लेकिन मुझे इसमें एक थोड़ा सा संदेह दिखता है। हाँ। संदेह इसलिए दिखता है कि रामविलास पासवान और सूरजभान सिंह के जो रिश्ते हैं, हाँ, वो बहुत करीबी रिश्ते हैं। जी बिल्कुल। रामविलास पासवान कितने कितनों को दुखी करेंगे? हाँ। रामा सिंह पहले से दुखी हैं। हाँ। महबूब अली कैसर पहले से दुखी हाँ। हैं। तो क्या सूरजभान सिंह को भी छोड़ेंगे? सूरजभान सिंह के टिकट के लिए मुझे लगता है बीना देवी के टिकट के लिए वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल। पर यह तय मान लीजिए कि मुंगेर में कोई चांस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि यदि सचमुच गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार से चुनाव लड़ने को बेगूसराय चले जाते हैं तो बीना देवी नवादा का लोजपा की उम्मीदवार हाँ। नवादा में हो सकती अच्छा। है, मतलब सीट की अदला बदली होगी मुंगेर जदयू को अच्छा। और नवादा लोजपा को, लोजपा को। और हाँ। तो लोजपा से वो एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं नवादा में, 2009 में जब वो चुनाव हाँ। हार गई थी हाँ। भोला सिंह से। तो ऐसी सूरत बनती है, लेकिन इतना तो तय है कि बीना देवी चुनाव लड़ेंगी। नवादा की सूरत नहीं बनी तो वह कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं, मुंगेर में ही हो सकती हैं। और इसके अलावा एक नया डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा। आपको पता है कि महागठबंधन में हाँ। जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल हुई। बिल्कुल। तो हम जो शामिल हुई तो हम का जो दावा है, मांझी का जो दावा है हाँ। मांझी कम से कम 3 सीट चाहते हैं हाँ। वैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव उन्हें 2 सीट देने पर राजी हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं। अच्छा। तो 3 सीट चाहते अच्छा। हैं। तो जो 3 सीट चाहते हैं उन 3 सीटों में एक तो उनके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गया की सीट हाँ, हाँ, जीतन राम मांझी खुद लड़ लें हाँ, दूसरी और तीसरी सीट वो मुंगेर और मुजफ्फरपुर की चाहते हैं हाँ, मुंगेर में उनके उम्मीदवार बिशन पटेल हैं हाँ, जिन्हें वो पिछले दिनों बिहार विधान परिषद में भेजना चाहते थे नहीं हाँ, भेज पाए हाँ, और मुजफ्फरपुर में उनके प्रत्याशी अजीत कुमार हैं, पूर्व मंत्री हाँ, तो उन्हें 3 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी यह संशय की बात है, लेकिन यह बात देखने में आई है कि बिशन पटेल जो मूल रूप से वैशाली के रहने वाले हैं हाँ। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि जो मुंगेर की सीट है वहाँ भूमिहारों से लड़ सकता है कुर्मी धानुक समाज। अच्छा। तो बिशन पटेल ने मुंगेर का दौरा अचानक बढ़ा दिया है हाँ। तो बिशन पटेल मुंगेर की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं हाँ। लेकिन सीट तो मिले पहले हाँ। सीट तो मिले हाँ। और कांग्रेस यदि बीना देवी कांग्रेस की तरफ जाती हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस दावा करेगी कि भाई मेरे पास सिटिंग एमपी है हाँ। और बीना देवी कांग्रेस में जाती हैं तो इसी शर्त पर जाएंगे कि मुंगेर की सीट उन्हें मिलेगी हाँ। 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 तो ये सूरत वहां बनती दिख रही है। राम बदन राय हाँ। जो 2009 में ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे हाँ। आरजेडी के कैंडिडेट पर हाँ। 2014 में उन्हें टिकट नहीं दिया लालू यादव ने हाँ। वे फिर भी चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर 2014 में, लेकिन कुछ दिखा नहीं पाए, मात्र 6,000 वोट में सिमट गए हाँ। 2014 के चुनाव का आंकड़ा हम देख रहे थे हाँ। तो राम बदन राय को 6,700 वोट आए थे, तो वे फिर से आरजेडी में शामिल हो गए हैं अच्छा। और आरजेडी में शामिल होने का मकसद ही मुंगेर का लक्ष्य है। बिल्कुल। तो मुंगेर की जो सीट है ना वो बिहार के लिए प्रतिष्ठा की सीट होगी हाँ। और ललन सिंह की दावेदारी एनडीए गठबंधन में जदयू के दोबारा शामिल होते ही शुरू हो गई है, और ललन सिंह किसी सूरत में नहीं छोड़ने जा रहे हैं हाँ। और आप ध्यान रखिएगा कि मुंगेर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता हाँ। है। मुंगेर
मुंगेर से लेकर बारह तक कितने 47 वाले लोग हैं कल्पना करना मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि आज मुंगेर में 47 बरामद हो रहा है ना। हाँ। मोकामा और बरहिया और बार के इतिहास में 47 तो बहुत पहले से गरजते रहे हैं। हाँ। तो यह चुनाव जो है ना 47 और मुंगेर का परस्पर रिश्ता है और सभी पार्टियों में इनके समर्थक रहे हैं। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि एके 47 की रही है। तो यह लड़ाई बड़ी होने जा रही है और मुंगेर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां ललन सिंह की बीना देवी। हाँ। बीना देवी क्या कहें, सूरजभान सिंह। बिल्कुल। तो ललन सिंह और सूरजभान सिंह का जो मुकाबला होगा वह देखने वाला होगा और उम्मीद कीजिए कि इसकी तैयारी दोनों कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं। हाँ। बहुत मजबूती से कर रहे हैं। कोई यह मानने को तैयार नहीं है। और आप यदि बाढ़ से शुरू करें और मुंगेर तक चले जाए तो कितने लोग मिल जाएंगे, सभी आपको बाहुबली किस्म के लोग होंगे। बिल्कुल। जो अभी से कहेंगे कि शर्त लगा लो, वो कहेगा कि नहीं ललन सिंह जीतेंगे। हाँ। इतने का शर्त। हाँ। और शर्त कितने का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का। हाँ। दूसरा कहेगा नहीं सूरजभान सिंह जीतेंगे, मतलब बीना देवी जीतेंगे। कितने का शर्त, कितने का। तो वहां धनबल की भी कमी नहीं है। और जो समाज है ना भूमिहार समाज, वो बहुत जागृत समाज है लेकिन आपस में फूटा हुआ भी है। तो एक बात तो यह जरूर होगी कि जिसके पास एनडीए का टिकट होगा उसके पास थोड़ा सा भूमिहार समाज का प्रभाव अधिक दिखेगा। लेकिन सूरजभान सिंह को आप कमजोर नहीं मान सकते हैं। हाँ। सूरजभान सिंह की जो पिछले की पहले की पृष्ठभूमि है। हाँ। उससे बहुत बदले हैं लोग। हाँ। कहते हैं कारोबारी हो गए हैं। हाँ। लेकिन प्रभाव कम नहीं हुआ है। हाँ। प्रभाव कम नहीं हुआ लेकिन ललन सिंह की जीत के लिए अनंत सिंह हर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अनंत सिंह किसी कीमत पर मुंगेर को बीना देवी के कब्जे से मुक्त कराना चाहेंगे। ललन सिंह न होते तो संभव यह भी था कि वहां मुकाबला अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह को देखने को मिलता। अच्छा, समझे ना। तो लेकिन ये ललन सिंह है, ललन सिंह की बड़ी इज्जत करते हैं अनंत सिंह। यदि ललन सिंह न होते तो बिहार मुकाबला अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह के रूप में ही देखता। अच्छा। तो दिल थाम कर बैठिए, आने वाले दिनों में मुंगेर का जो चुनाव है वह बहुत रोचक होने वाला है। मुंगेर की दावेदारी, मुंगेर का चुनाव प्रचार और मुंगेर का परिणाम बिहार को चौंकाएगा। और जब बिहार चौंकेगा तो सब कुछ देखने में अच्छा लगेगा। हाँ। और क्या क्या होगा हम आपको आगे भी बताएंगे। तो आज मुंगेर के लिए बस इतना ही। तो धनबल और बाहुबल से परिपूर्ण मुंगेर का सीट एनडीए के भीतर भी खींचतान और महागठबंधन के भीतर भी खींचतान। अब आगे देखते हैं कि किसको किसकी टिकट मिलती है और सीट पर किसका कब्जा होता है। बहरहाल आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार का मिजाज के बाकी एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक्स वहां अवेलेबल हैं, उस पर क्लिक करें और बाकी एपिसोड भी देखें कि बिहार के 4400 सीट का क्या माहौल है, क्या हाल है और 2019 की सूरत कैसी होगी। नमस्कार।